गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 7th of February है आज, और आज हम लोग बेसिकली एक रैपिड फायर करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको शायद उतना आंसर नहीं भी पता होगा, कोई बात नहीं। अभी एग्जाम को है हमारे पास 5 दिन, तो हम लोग का कोशिश बस ये रहेगा कि अगर ये सारे कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएँ तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और कॉमन क्वेश्चन के आंसर भी एटलीस्ट वंस वी हैव सीन, राइट? So that is the strategy, and we will start the class. Till then you can share the class and also like the class. आप लोग like और share कर दीजिए ताकि हम लोग ये जो एक साल है इसके questions को discuss कर लें। Very good morning. Okay. So let's start. मैं भी थोड़ा प्रकट हो जाऊँ, है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं, और आज साथ ही साथ थोड़े static भी हैं questions. तो आप लोग बस question answer के form में बस इसको समझिए, और फिर we will see. तो इट इज अ रैपिड फायर, जैसे करण कॉफी विद करण में होता है ना कि रैपिड फायर में जल्दी जल्दी आंसर दिया जाता है, बस हमारे रैपिड फायर में इतना अंतर है कि हम सोच समझ कर आंसर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज किताब किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर एग्जाम्स और देयर करियर, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, और होपफुली जो स्टूडेंट CDS का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनको SSB में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, वो अभी तक क्या कर चुके होंगे मेरे क्लास के पहले? क्या बोला था मैंने मेरे क्लास के पहले आपको क्या करना है? सुबह में न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कौन सा न्यूज़पेपर? दैनिक जागरण नहीं, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर। फॉर द बिगनर्स इट इज टाइम्स ऑफ इंडिया, फॉर मॉडरेट स्टूडेंट्स इट इज इंडियन एक्सप्रेस, एंड फॉर प्रो लेवल स्टूडेंट्स द हिंदू न्यूज़पेपर। पढ़कर आपने थोड़ा कसरत कर लिया होगा, जैसे कि बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया होगा। लड़कियां लड़के सब कोई थोड़ा 20 बार एक ही जगह खड़े होकर जंप करना है, ठीक है? और अगर आपके पास वो है रस्सी, है ना, रस्सी कूदा जाता है, तो रस्सी कूदने वाला है तो वो तो बहुत अच्छा है। और बॉडी को स्ट्रेच मतलब लिगामेंट्स और ये सब जो है, थोड़ा वो लोग भी यार जानवर भी उठता है ना, तो पहले अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, तो हम लोग को आसकत नहीं करना है, ठीक है? चलें, वेरी गुड। नहीं नहीं CDS का करंट अफेयर क्यों खत्म होगा? तो देखिए, इसका आंसर जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि दोज क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट हर्ड बट इंपॉर्टेंट आर बीइंग आस्क्ड ओवरहेड। लुकियानो वर्किंग के, ठीक है, इनके नाम है। अब नाम है तो है, तो इसका ऐसे नाम याद कर लो, वर्निक, ठीक है? वर्निक ही है, के तो नहीं इसमें, वर्निक आप याद रखेंगे। ये द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज बुक है जो कि पब्लिश किया गया है नायोगी बुक्स द्वारा, ये याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और स्पिरिट है। देखिए, 2021 हमारा ओलंपिक का साल है, तो इसीलिए ओलंपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोज क्वेश्चंस वोंट बी कॉमन, दोज विल बी रेयर क्वेश्चंस, पिक्यूलियर क्वेश्चंस। सो वही आज मैंने डाले हैं, पिक्यूलियर क्वेश्चंस, ठीक है? व्हिच इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष आपको पता है, आयुर्वेदा, योगा, औषधि, सिद्धा, है ना, टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन अश्वगंधा फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम COVID-19। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अश्वगंधा के बारे में, आप लोग भी सुने होंगे, अश्वगंधा बहुत न्यूज में था, गिलॉय न्यूज में था। एक गिलॉय, गिलॉय क्या होता है, वो पेड़ का ना वो ये रहता है ऐसे स्टेम रहता है, तो उसको बोलते हैं कि पानी में फुला के और दूध में डाल के खाने में वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उसी तरह से अश्वगंधा। और आप लोग ने ये भी सुना होगा कि अब हम लोग आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं उससे रिलेटेड पेड़ बनाने, मतलब एक वन बनाने वाले हैं जो कि गुजरात में। तो ये बताएं कौन सा इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल, ये देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ ये जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है, इसने किया है। कोई बात नहीं गाइज, यू आर मीन्स अटेम्प्टिंग, इट इज वेरी गुड। बस एक क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लो, क्या पता एग्जाम में आए तो आपको पता हो, ठीक है? तो यह हम लोगों ने अश्वगंधा लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ किया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। क्लियर है गाइज COVID-19 से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गोल्डन वीजा पे है, तो विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इशू गोल्डन वीजा टू ऑल डॉक्टर्स रिसाइडिंग देयर? यहां पे बताएं, ये गोल्डन वीजा का मतलब समझ में आता है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे संजय दत्त को UAE का गोल्डन वीजा मिला है, गोल्डन वीजा यानी गोल्डन टिकट, यार उसको जब दुबई जाना है वो जाएगा, जब नहीं जाना है नहीं जाएगा, मतलब एनी टाइम ही कैन गो विदाउट एनी वीजा, ही इज हैविंग द गोल्डन वीजा।
ये कौन सा है? ये यूएई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि गोल्डन रेसिडेंसी सर्विस टू फैसिलिटेट इशू ऑफ गोल्डन वीजा टू डॉक्टर्स रिसाइडिंग इन यूएई। तो यूएई बेसिकली अपना बहुत सारा टूरिज्म प्रमोट करना चाहता है लगता है। चलें, तो यहाँ पे थीम सॉन्ग ऑफ ओलंपिक पैरालंपिक्स गेम, ठीक है। तो ओलंपिक्स तो हो गया, एक पैरालंपिक्स होता है जिसमें भारत ने एक्चुअली ओलंपिक्स से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जब आप अवनी लखेड़ा जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सुनील अंटल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है, पैरालंपिक्स है। तो वो दिव्यांग लोग जो कि एक्चुअली नॉर्मल, मतलब कि जो दिव्यांग नहीं है उनसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनपे एक ये लिखा गया थीम सॉन्ग। सॉरी आई एम अटकिंग अलॉट। तो थीम सॉन्ग जो है ये लिखा है संजीव सिंह जी ने, जो कि खुद एक पैरालंपिक क्रिकेटर है। और कर दे तू कमाल, ये थीम सॉन्ग इसको याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इन्होंने इनको लॉन्च किया है। ओके गाइस, और आपको लॉ मिनिस्टर पता है कौन है? लॉ मिनिस्टर अभी कौन है? किरण रिजिजू है ना, ये याद रखिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जो बिहार वाले, इनका नाम क्या था, शंकर, रविशंकर, वो अब नहीं है लॉ मिनिस्टर, ठीक है, उनके पास अभी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, ठीक है। तो आर्मेनिया में देखें कौन है प्राइम मिनिस्टर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दें। निकोल आर्तूर आर्मर या अर्मिन सरकिसन, तो देखें यहाँ पे अर्मिन सरकिसन कौन है, वो प्रेसिडेंट है शायद, और निकोल पाशियान जो है ये प्राइम मिनिस्टर है, और ये 2018 में ये अपॉइंट हुए थे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और अर्मेन सरकिसन भी है न्यूज में, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अर्मेनिया है तो उससे अर्मेन, ये याद रखिएगा, ठीक। यस गाइस, सी यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन ऑप्शन के 5 के ए और बी में। तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट का डिफरेंस, ठीक है। रविशंकर ने झगड़ा करके पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हित स्टोर, हर हित स्टोर यानी कि सबका हित हो, सबका भला हो, जनहित में जारी, तो ये बताएं ये जो हर हित स्टोर है ये किस स्टेट में है। थोड़ा सा अभी हम लोग ना नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है धीरे धीरे स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग भी मेरे साथ स्पीड बना के रखें और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहाँ पे ये हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और हर हित स्टोर इन्होंने ही यहाँ पे लॉन्च किया है। The which High Court has recently squashed Tamil Nadu's law banning online games. ये भी था न्यूज़ में, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम्स जो है ये तमिलनाडु ने कहा कि नहीं, ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा देते हैं, लेकिन इस हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग क्यों ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगाएंगे, इससे तो बच्चों का दिमाग विकसित होता है, आप लोग भी खुश हो गए होंगे। तो ये जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट बैन, और एक्चुअली ये तमिलनाडु के, हाँ तमिलनाडु का हाई कोर्ट नहीं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा था, ठीक है, कि हम लोग बैन लगाएंगे, और वहां के हाई कोर्ट ने, मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं हम लोग बैन नहीं लगाएंगे। क्लियर है, चलिए बढ़िया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखें विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नॉमिनेटेड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ इनहेंसमेंट ऑन डिजिटल अपील एट नेशनल वॉर मेमोरियल। तो यहाँ पे आप आंसर बताएं, तब तक मैं और देखूं आप लोग क्या क्या कमेंट कर लें। एनीथिंग यू आर कमेंटिंग अगेंस्ट मी और नॉट, मीन्स यू शुड नॉट, बट इफ यू आर, गुड मॉर्निंग अरविंद, अरविंद हाय, ठीक है। संदीप मोहपात्रा जी हेलो गाइज, आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना। यस इट इज अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। 7 तारीख है, एग्जाम भी आने वाला है, मौसम भी अच्छा चल रहा है। अच्छा माई प्रोनाउंसिएशन इज, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जो बोलिए, हैज बीन नॉमिनेटेड, इनको चुना गया है टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ डिजिटल अपील, ठीक है। तो डिजिटल अपील होगा नेशनल वॉर मेमोरियल पे, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि डिजिटल अपील के लिए इसको चुना गया, और बहुत सारा पैसा लगेगा। आप जानते हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो है यहाँ का मशाल में, सारे देश का मशाल मिलाया गया है, और अमर ज्योति जवान जो कि 50 साल से चल रहा था, इंदिरा गांधी सरकार में था वो बना, तो उसका मशाल भी अब नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मिला दिया गया है। और अभी एक होलोग्राम स्टैचू बना है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, बहुत जल्दी वो एक रियलिस्टिक लंबा चौड़ा सा स्टैचू बन जाएगा। चले वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एयरपोर्ट
इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021। तो देखिए एयरपोर्ट भी है इसमें, इकोनॉमिक भी है, रेगुलेटरी भी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल और एक्ट में आप अंतर समझते हैं, जब भी हमारा सेशन चलता है, जब हम लोग का पार्लियामेंट चलता है, तो उसमें ना कुछ बिल पेश होते हैं। बिल होने का मतलब है कि उसमें कुछ प्रावधान, मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा लॉ होना चाहिए, तो अगर हम सरकार में हैं, मान लीजिए अगर हम कोई मंत्री है, कोई एमपी है, कुछ भी है, सरकार के साइड है, तो उस बिल को बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसे मेंबर हैं जो कि सिर्फ एमपी है और सरकार में नहीं है और हम ऑपोजिशन पार्टी में है, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल, क्लियर है। और जब वो बिल एक्चुअली में लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट भी साइन कर देते हैं, या फिर पहले राज्यसभा से शुरू हुआ, लोकसभा में पास हुआ और फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट दे दिए, तो वो बिल बन जाता है एक्ट, जिसको आप कहते हैं कानून। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पेयरिंग ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स विथ बिगर एयरपोर्ट। तो देखिए अभी अभी ये बिल जो है पास हुआ था, एक्चुअली मानसून सेशन का है, अभी तो क्या चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, ठीक है। फरवरी में बजट सेशन चलता है, फिर अगस्त में कौन सा सेशन चलता है, मानसून सेशन चलता है, नवंबर दिसंबर में आपका विंटर सेशन चलता है। दो सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर 2 सेशंस हो जाने चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके छोटे छोटे एयरपोर्ट है उनको बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ पेयर कर दीजिए, ताकि वो उनको गाइड कर सके, क्लियर है, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी 12 मिनट हुआ है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे है, तो अभी हम लोग को स्पीड थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि 12 मिनट में हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे रहें, राइट, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास तो 100 से 100 है ना, तो इसीलिए 60 मिनट में करना है। विच इंडियन विजुअल आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर हैज वन द एस्नर अवार्ड, तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आंसर बता दीजिए जल्दी से। अरविंद दोनों जगह है, अरविंद यहाँ भी है, अरविंद वहां भी है, वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। ऐसे ही एलिमिनेट करना है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल, जब भी आपको ना बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखे और उसका स्टेटमेंट्स बहुत सारा ऑप्शंस दिखे, तो जो यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप समझते हैं, जैसे कि अगर आपका दोस्त बहुत दिमाग खा रहा है आपका, यार मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो तुम लोग बचने के लिए क्या कहते हो, उसको कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है चिपका देते हो, जैसे कि अरे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बी ऑनेस्ट, यार सच बोल दो, यार ऐसे मत करो, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, है ना, तो तुम लोग एकदम बाबा बन जाते हो यूनिवर्सल। तो जब भी तुम लोगों को बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखे, बहुत सारा ऑप्शंस दिखे, तो सोचो कि इसमें से सबसे सुंदर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, कि एकदम अच्छा वाला फीलिंग, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। और जब भी एक्सट्रीम ऑप्शंस दिखे, नेवर इट हैज हैपेंड, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द ओनली थिंग, तो ये सब समझ लो कि ये थोड़ा गलत है, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है, हर जगह तो काम, मतलब एक्सेप्शंस है, लेकिन 80% ये काम कर जाता है, ठीक है गाइज, वेरी गुड। तो यहाँ पे एसनर जो है आनंद राधा कृष्णन, ये जीते हैं एसनर अवार्ड, ही इज द बेस्ट पेंटर एंड मल्टीमीडिया स्टार इंटीरियर आर्ट, और एसनर अवार्ड इज आल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेडल्स सो फार इंडिया हैज वन इन एथलीट्स एज ओलंपिक, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है तो इसीलिए आया है खैर, लेकिन आप गोल्ड में नीरज चोपड़ा को याद रखिएगा, जैवलिन थ्रो ये करते हैं 87.58 मीटर्स ये जो हैं वो किए हैं, ठीक है। और हिस्ट्री है कि आज तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है एथलीट्स में, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है हम लोगों ने बस एक मेडल जीता है। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड से आता है, वेरी गुड। तो गाइज आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं, मंदिर है ये नहीं ना। अच्छा, क्विज बोर्ड ऐड करने के लिए आप कहते हैं ग्रुप में, ठीक है, उसको बहुत जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस का मतलब है स्वदेशी लोग, जो कि जनरली ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है, एब ओरिजिनल्स अगर आप सुने, इंडिजीनियस सुने, तो ये सब समझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्राइब्स है, जैसे चकमा, चकमा कहाँ का ट्राइब है ये पता होना चाहिए, संथाल, संथाल झारखंड का ट्राइब है, ठीक है। फिर अगर आपको कूका पूछा जाएगा तो पंजाब का है, कूकी आंदोलन हुआ था मणिपुर में, तो ये सब छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, पता होना चाहिए। रंपा ये बताइए, ठीक है, तो कुछ ट्राइब और रिवोल्ट्स पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे सारे इंडिजीनियस पीपल को, एंड कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, साथ में लेकर चलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
हाँ वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, यहाँ पे महावीर चक्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉमरेड, ठीक है, कसार गॉड, पटना शेट्टी, गोपाल राव, इनको इनका निधन हुआ है, इनको महावीर चक्र मिला है किस साल? गोपाल राव जी को, चकमा अरुणाचल का नहीं है, नो, अरुणाचल का अबोड़ है, दाफला है, ठीक है, मिशमी है। चलिए, तो ये है क्वेश्चन का आंसर है, गोपाल राव जी को 1971 में मिला है, इसको याद रखेंगे, ये 94 इयर्स के हैं और इनका निधन हुआ 2021 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और महावीर चक्र इनको 1971 में मिला। क्लियर, बढ़िया। अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर अमेंडमेंट, पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल, हाउ मेनी ऑफेंसेस अंडर द लॉ विल बी डिक्रिमिनलाइज्ड, पूछा जा रहा है कि कितने जो यहाँ पे अपराधी हैं उनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, कितने सारे आरोपों को। ये अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है देखते हैं, तो टोटल 12 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको इसके तहत इस एक्ट में डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, बस इतना जान लीजिए। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एशियाटिक लायन, इन विच नेशनल पार्क लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इज बीन फाउंड, तो अगर सिर्फ एक ही जगह कोई जानवर मिलता है तो उसको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। क्लियर, यस, बढ़िया। बहुत ज्यादा गैस वर्क हो रहा है, अरुणाचल नहीं तो मणिपुर, मणिपुर नहीं तो असम, असम नहीं तो मिजोरम। अच्छा जी, यस, इट इज फॉर DSSSB JEE, इट इज फॉर ऑल द एग्जाम्स विच यू विल बी अटेम्प्टिंग दिस ईयर। तो ये गिर नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, वो एशिया, एशियाटिक लायन गुजरात में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलता है। क्लियर। चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्ज द नेशन टू प्रायोरिटाइज रीओपनिंग ऑफ स्कूल एमिड द COVID-19 पैंडेमिक, हु इज द करेंट चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि WHO कोविड में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो आपसे चीफ साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है, और चीफ साइंटिस्ट जो है इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बोल रहे थे कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं। ठीक है, टेक फॉर इंक्लूजन, टेक फॉर इंक्लूजन का मतलब होता है किसी भी, मतलब जैसे कि शहर है, शहर में आपका टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना है कि वो गांव गांव तक पहुंच सके। तो जब भी आपको इंक्लूसिव वर्ड का मतलब समझ में नहीं आए, तो समझ आइए कि उसको बहुत, मतलब रिमोट एरिया तक पहुंचाना, बहुत ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करना। ठीक है, तो आप बताएं इंक्लूसिव जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया, GFI। क्लियर है, टेक फॉर इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization IIFL Finance has partnered with to offer innovative digital credit product to its merchant? Guys, answer दीजिए जल्दी से। Very good, आरती फौजदार, अरविंद, खुशबू शाह, रेहान, ओम प्रकाश, अमृत, रजत, श्रद्धा, महेश, आयुषी, शमा, पूजा, very good। और जिनका नाम मैंने नहीं लिया अभी, आप लोग आंसर दीजिए तो आपका नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जगह है, ये है आपका फिनबॉक्स का बेस्ड है मर्चेंट, और IIFL यहाँ पे फिनबॉक्स का, ये आंसर हो गया। ठीक है, नहीं पता है तो बस फिनबॉक्स सुन लीजिए, कहीं ऑप्शन में आएगा तो टिक कर दीजिएगा, इन्हें एक दूसरे के ऑप्शन में आए तो टिक कर दें। फिर आप देखिए, RBI ने पेनाल्टी दिया था 1 करोड़ रुपए का किस बैंक को, अभी रिसेंटली ये था न्यूज में, तो ये कोऑपरेटिव रैबो बैंक UA इसका नाम है, इसको 1 करोड़ का लगा था फटका। Which country has test fired the surface to surface ballistic missile जिसका नाम है गजनवी? तो ये बताएं कि ये कंट्री ने बैलास्टिक मिसाइल, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और गजनवी इसका नाम है, इसके पहले भी एक था, इसका नाम था बाबर। ठीक है, तो इस टाइप का नाम ये लोग रखते हैं, क्या नाम है, करीना कपूर के बच्चों जैसा। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है इन्होंने सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल गजनवी अभी टेस्ट फायर किया है अगस्त में, इसको याद रखिएगा, गजनवी इज ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लीजिए, फेसबुक ने अपना ब्रांड का नाम मेटा रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेटा है, आपको पता ही है। उसके बाद चेन्नई, मैसूर से चेन्नई वापस शताब्दी एक्सप्रेस, ये फर्स्ट IMS
सर्टिफाइड ट्रेन है, IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहला है ऐसा। और ये सदर्न रेलवे का ट्रेन हो गया, शताब्दी ट्रेन इसका नाम है, एज वेल एज सेकेंड मेल और द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन आदमी को ले जाता है और मालगाड़ी जो है वो क्या सामान को ले जाता है, ठीक है। सार्थक को इनॉग्रेट किया गया है, तो ये INS नहीं है, ये ICGS है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने सार्थक को अभी अभी अक्टूबर में इनॉग्रेट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। देखिए पिछले बार आई गेस CDS में आपसे अग्नि प्राइम पूछा गया है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अग्नि प्राइम, अग्नि 5, और जो स्कॉर्पियन में 6 है ना, ठीक है, तो वो सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 5th वाला अभी रिसेंटली उसको भी लाया गया है, तो अभी हम बताएंगे। तो देखिए APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ ऑफ और ऑनशोर, मतलब समझते हैं आप, अगर लैंड से हवा सी की ओर जा रहा है तो उसको ऑफशोर कहते हैं, क्योंकि वो तो सूखा हवा होगा, उसमें पानी नहीं होगा, और सी से हवा अगर लैंड की ओर आ रहा है तो उसको ऑनशोर कहते हैं, क्योंकि उस हवा में नमी होता है और उसके कारण बारिश भी हो सकता है, तो इसीलिए ऑफशोर ऑनशोर समझिएगा। तो ये लैंड से किस तरफ जा रहा है, सी की ओर जा रहा है ना, तो इसीलिए ऑफ लिखा जाता है, ठीक। अब देखें यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस, तो किसी को जबरदस्ती वो गायब हो गया किसी कारण से, तस्करी हो गया, ट्रैफिकिंग होता है लोगों का, तो उस साल वो कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, हम लोग 30 अगस्त को उनको याद करते हैं और उनके लिए अवेयरनेस करते हैं कि अगर आपके आसपास अचानक से कोई गायब हो जाए, खासकर कोई बच्चा, तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। विच कंट्री हैज पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू फोर्स टेक कंपनीज टू ऑफर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, तो देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है, ये बताइए। यस गाइस, डोंट गेट डीमोटिवेटेड इफ यू डोंट नो द आंसर, यू जस्ट मतलब एक बार सुन लो, डे में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए, और आई एम श्योर कि अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले लगता है कि मैं भूल रहा हूं या मैं भूल रही हूं, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन एग्जाम के समय सब सही हो जाता है, ठीक है। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे बताएं आंसर क्या है, तो ये साउथ कोरिया ने क्या किया है कि वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू फोर्स टेक जायंट्स सच एज गूगल एंड एप्पल टू ऑफर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम ऑन देयर एप स्टोर, तो ये बोल रहा है साउथ कोरिया कि इन लोगों को अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम देना चाहिए। यू ब्रीद लाइफ, ठीक है, यू ब्रीद लाइफ जो है ये बताएं कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर, ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, स्मार्ट एयर प्योरीफायर प्लांट बेस्ड है ये, ठीक है, तो ये जो है ये IIT रोपड़ है, IIT रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है IIT रोपड़, क्लियर, बढ़िया। फिर आप देखेंगे व्हाट, अच्छा वैसे रोपड़ आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन में भी वो वर्ड था, पता है ना। फिर हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, तो जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अभी अभी एक जर्नलिस्ट है ना जिनका अफगानिस्तान में निधन हुआ, क्या नाम था उनका, याद है, दानिश सिद्दीकी, तो उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाया गया है, तो कौन उस कमिटी के हेड है, अशोक टंडन जो है इस कमिटी के हेड है, और हेडेड बाय प्रसार भारती के बोर्ड के मेंबर हैं ये, प्रसार भारती आप जानते होंगे, तो अशोक टंडन है ये। अब आप बताएंगे कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन पैरालंपिक गेम्स, तो पहली जो भारतीय है वो बताएं कौन है, वो भी महिला, जो कि पैरालंपिक्स गेम में 2 मेडल जीती है, इनका नाम क्या है, तो ये है अवनी लखेड़ा जी, और ये क्या करती है, शूटिंग है ना, तो शूटिंग करती हैं अवनी लखेड़ा जी, और इन्होंने 2 मेडल जीता है पैरालंपिक गेम्स में। इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री हैज अनाउंस $1.2 बिलियन पैकेज फॉर फाइनेंस टू एशिया ग्रीन ग्रोथ, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, देखिए इस बार हमारा 21.71% का टोटल कवरेज है ट्री और फॉरेस्ट, तो पहले कितना था, 21.67%, कैसे पता चला कि इतना बढ़ गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया 2021 का था, लेकिन इस साल आया 2020 में,
इसके पहले 2019 में आया था, बाइनियल होता है, हर 2 साल पे आता है। तो हम लोग एशिया में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर हम लोग कुछ पैकेज अरेंज किए हैं जिससे हम लोग ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। सिम्बेक्स एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स हम बार बार पूछते हैं, आप बताएं कि हम लोग ये जो मेरीटाइम एक्सरसाइज है वो सिंगापुर और किस कंट्री के बीच होता है, तो वो हमारे देश के बीच होता है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं सिम्बेक्स, है ना। फिर बहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, देखिए तो बहलेर जो लोग टर्टल को बचाने के लिए काम करते हैं उनको कंजर्व करने के लिए उनके लिए एक अवार्ड होता है। आपको टर्टल और टोर्टोइज में अंतर पता है ना, टर्टल वाटर में रहता है, टोर्टोइज जो है वो आपका लैंड पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और जब टर्टल गड़ी माथा बीच में आते हैं उड़ीसा में, ये बहुत बार हम बता चुके हैं, तो वो एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं और उसको हम लोग अड़ीबाधा कहते हैं, ठीक है। और वो टर्टल कौन से होते हैं, ऑलिव रेडले टर्टल होते हैं। और क्या ऑलिव रेडले टर्टल जो है वो मांसाहारी है, तो हाँ वो शाकाहारी नहीं, और ये सबसे छोटे टर्टल होते हैं, क्लियर है। तो अंडर ये आपको पता चल गया, शैलेंद्र सिंह जो है इनको बहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, और ये ब्रिंगिंग 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल, तो 3 तरह के जो टर्टल है वो ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन पे है, उनको बचाने के लिए अवार्ड मिला है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनर करके टू प्रोवाइड होम लोन प्रोडक्ट टू ऑफर 4.5 करोड़ कस्टमर्स, तो ये बताएं कौन सा ऐसा बैंक है गाइज। Till then I'm seeing all your comments. Very good answers I'm getting. Excellent. Yes. PDF मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगा। You can like the session and share the session as well. Till then, session को लाइक और शेयर नहीं करते आप लोग, लाइक करना होता है ना सेशन को, वरना टीचर को कैसे पता चलेगा कि सेशन पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। टीचर सोचते रहेंगे कि पसंद है, चेंज करना है नहीं करना है। You give us our guide, मतलब direction, we also give you our direction. तो ये है कौन सा, नहीं SBI नहीं है guys, ये Indian Post Payment Bank है, ठीक है। और ये LIC के साथ ये प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ताकि होम लोन को टू ओवर 4.5 करोड़ कस्टमर्स, ठीक है। तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC, देखिए यहाँ पे किसी का बैंक का भी एग्जाम होगा ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा ये सब क्वेश्चन से। तो ये पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके साथ, ताकि ये MSME को सपोर्ट करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो कि हमारे देश के 90% एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और 40% एक्सपोर्ट के लिए भी, तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो HDFC बैंक है जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ MSME को स्ट्रेंथन करने के लिए बात कर रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल यू अंडरस्टैंड, ट्रांसोनिक होता है जब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है, हाइपोसोनिक होता है जब स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है कोई मिसाइल का स्पीड, और सुपरसोनिक तब होता है जब एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है लेकिन अगर 5 गुना से भी ज्यादा है किसी मिसाइल का स्पीड साउंड से, तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ हुआ सॉन्ग 8 नॉर्थ कोरिया ने अभी टेस्ट फायर किया है, ये सब हम थोड़ा डिवाइस करवा रहे हैं आपको। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर जो है उनका नाम है रणबीर सिंह, नहीं आता ही नहीं है का बात नहीं है, एक दिन बस हम आपको ऐसे क्वेश्चंस देना चाहते हैं जो एक्चुअली आप सोचें कि ये इसका मतलब क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, बस आपको याद करना है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये आपका हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए होता है। उत्तराखंड गेट्स कंट्रीज लार्ज एरोमेटिक गार्डन, तो पूरे देश में सबसे बड़ा एरोमेटिक क्या होता है जिससे बहुत अच्छा सुगंध आए, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो एरोमेटिक, आप एक कंपाउंड सुने होंगे नाम, ये बेंजीन रिंग जो होता है ना वो उसको एरोमेटिक रिंग्स भी कहते हैं, तो उससे अच्छा स्मेल आता है। फिर आप देखिए हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके सर्वाइवर बच गए, उनका नाम है सुनाओ शुबोई, ठीक है। इनका जो बच गए उनका अब निधन हो गया है। फिर दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये कहाँ पे बना है, ये साउथ कोरिया में बना है। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वो हाइड्रोजन है।
कर्नाटका जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा अच्छा स्टेट है जो कि एनर्जी इफिशियंसी करता है, ठीक है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स जो है ये कर्नाटका का है। फिर एक किताब लिखा गया है द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये ऑथर किया गया है एयाज मेनन द्वारा। क्लियर है, बढ़िया। हाँ, बच गए। न्यूक्लियर अटैक हुआ था ना, ये जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, ठीक है, लिटिल बॉय फैट मैन, तो वहां पे वो यूएसए ने जो जापान में ये सब गिराया तो उससे वो सर्वाइव कर गए थे, बच गए थे, और उनका ही अभी निधन हुआ है, ठीक है। यस, इंटरपोल के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये यूएई के है अहमद नसीर अल राइजी, इनका नाम है। इंडिया का कौन सा बैंक है जिसने पीवीसी जिससे पाइप बनता है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड कहते हैं इसको, है ना, तो पीवीसी प्लास्टिक लॉन्च किया है एचएसबीसी से। वैसे आप लोगों को बेंजीन का फॉर्मूला पता है क्या, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को पता है बेंजीन? ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसीलिए हम सोचे कि आपसे पूछ लें। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन सा बैंक है, एचएसबीसी है, जो कि यूज प्लास्टिक से अपना क्रेडिट कार्ड बनाएगा। हर्बल फेस्टिवल हम लोग पहली बार जम्मू कश्मीर में मना रहे हैं, यस। फिर मेरियम वेमस्टर डिक्शनरी ने बोला कि वैक्सीन को बनाइए 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है। C6H6, सबको पता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है बेंजीन के बारे में कुछ तो हम बता दें थोड़ा सा सिंपल वे में। कोई ऐसा स्टूडेंट है, अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपको नहीं पता होगा, लेकिन कॉमन साइंस में पूछा जाता है ना बेंजीन। हाँ ओके, तो देखिए रिंग होता है उसके बीच में, ओके वेरी गुड, सबको पता है यार। तो तुम लोगों को तो रेजोनेंस के बारे में पता होगा कि बेंजीन का रेजोनेंस होता है। क्या मैं तथा का बताएं कि साउथ कोरिया टू गेट फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2050। अच्छा, ये जसप्रीत बुमराह के पास ही हम बेंजीन बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्बन का ना एक प्रॉब्लम है, कार्बन का प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2-4। अगर मान लीजिए लास्ट में कभी भी ऐसा नंबर हो जो कि 1, 2 और 3 है, तो ये सब मेटल्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये 1+ हो जाते हैं, ये 2+ हो जाते हैं, ये 3+ हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जिसके एटॉमिक नंबर में लास्ट में होते हैं 5, ठीक है, उसके बाद 6 और 7। तो ये क्या करते हैं, ये 1-3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो सबका मेन मोटिव है कि लास्ट में 8 बनाना है, तो इसमें भी 8 हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये 3- हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये एक्चुअली 2- हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे और 8 बन जाएंगे, और ये 1- हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड एंड गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज ऑल्सो लिक्विड, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन कार्बन क्या करेगा, इसका तो प्रॉब्लम ही अलग है। कार्बन का क्या प्रॉब्लम है, कार्बन का प्रॉब्लम है 1, 2, 3 नहीं है लास्ट में, 5, 6, 7 भी नहीं है, तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये हमेशा 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। बेंजीन क्या सा बनता है, बेंजीन में ऐसे 6 कार्बन होते हैं, है ना, और 6 कार्बन एक दूसरे से एक एक करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन को तो टोटल कितना बॉन्ड बनाना है, 6 बॉन्ड बनाना, मतलब 4 बॉन्ड बनाना है, तो 4 बॉन्ड बनाना है, उसी को आप क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1 है 2 है 3 है, इसको एक और चाहिए, तो जहां पे कुछ नहीं वहां पे हाइड्रोजन, तो हम लोग यहाँ यहाँ इसको हाइड्रोजन 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 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए बेंजीन में क्या होता है, एक हेक्सागन बनाए और अल्टरनेटिव में हम लोग डबल डबल बॉन्ड बना लिए और साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा लिए, तो इसको बोलते हैं C6H6। तो कभी कभी जनरल साइंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग बोलेंगे,
ठीक है, और कभी ये टूट टूट के फिर ये गोल गोल घूमते रहते हैं ये बॉन्ड, तो जब ऐसे दिख रहे हैं तो कभी ऐसा भी होगा कि ये यहाँ यहाँ और यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, तो बस आपको याद रखना है ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, चलो, जसप्रीत बुमराह जो है ये 900 टेस्ट विकेट ले लिए हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी जो है वो 11th इंडियन बॉलर बन गए जो कि 200 टेस्ट विकेट ले लिए हैं। संजय अरोड़ा जी का नाम याद रखिएगा, ये ITBP के एडिशनल SSB, तो ये थे ही एडिशनल चार्ज, लेकिन ये DG बन गए हैं, डायरेक्टरेट जनरल। फिर भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने क्वांटम लैब बनाया है। क्वांटम लैब कहाँ पे? MCTE के लिए बनाया है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं एक किताब लिखा गया है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल जो है ये बुक को लिखे हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ये पता है कि NaCl जो है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, और अभी जो हम बेंजीन रिंग बोले हैं उसमें कौन टाइप सा बॉन्ड है? तो दो तीन एक्चुअली बॉन्ड है, आप लोग कॉमन जो जनरल साइंस में जो पढ़ेंगे उसमें दो टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। MS धोनी का फर्स्ट लुक फ्रॉम ग्राफिक नॉवेल अवतार, अथर्व, सॉरी अवतार नहीं, अथर्व जो है आ गया है, तो MS धोनी है ये, अथर्व जो इनका किताब एक रिलीज हुआ है ग्राफिक नॉवेल है उसमें इनका ये फर्स्ट लुक है। ठीक है, NaCl आइकॉनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, बढ़िया। और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आइकॉनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड? तब तक आप ये जान लीजिए, JNU के जो वाइस चांसलर, इनका नाम है M जगदेश कुमार, ये न्यू चेयरमैन ऑफ UGC बन गए हैं। आइकॉनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आई एम गेटिंग द आंसर्स, ओके। तो देखिए, जो बच्चों को नहीं पता है उसको एक बात हम बता दें बस, कि हम बोले कि या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो जब एक्सेप्ट या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ए है, ए के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और बी जो है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बी क्या करेगा, ए को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 8 हो जाएगा, और इसके भी मतलब लास्ट में तो ऐसा कुछ होगा ना, 2 8 1, तो इसके भी लास्ट में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिसीविंग एंड डोनेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन कार्बन क्या करता है, ये इस तरह का बॉन्ड बनाता है, तो इससे क्या होता है, ये ना यहाँ पे शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, और द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग आइकॉनिक बॉन्ड, आयोनिक, आइकॉनिक नहीं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आयंस आप समझते हैं, तो ये सब आयंस बन जाते हैं। क्लियर है? ये ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये थोड़ा वीक होता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि H2O जो कि आपका पानी है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत पानी दिख रहा है ना, तो H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, तो H2O में शेयरिंग होता है शायद, है ना, तो शेयरिंग बॉन्ड होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या H2O में, क्या H2O में शेयरिंग होता है या फिर यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो आप लोग बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां पे या आपका कोवेलेंट होता है, आयनिक होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोचिए, हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये उन बच्चों के लिए जो कि जिनका ज्यादा हार्डकोर साइंस है, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप हमको ये बताइए कि शेयरिंग होता है या फिर आपका डोनेशन होता है, किस टाइप का बॉन्ड होता है आपके पानी में? H2O है ना, सॉरी, तो H2O, बताइए किस टाइप का बॉन्ड होता है आपका पानी में? शेयरिंग होता है, मतलब इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग कोवेलेंट होता है, या फिर ये भी हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे देता है और ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, यानी कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बात कर रहे हैं। कभी सोचे हैं गौर से कि जब यहाँ पे एच है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एच है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या शेयर करेगा, ये सोच के हमको बताइएगा। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तेलुगु का एक शॉर्ट फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, इसको एनएचआरसी में शॉर्ट फिल्म अवार्ड में कंपटीशन में ये जीत गया है। नीरज चोपड़ा को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ईयर ऑफ द मतलब साल का अवार्ड मिला है। गाइस व्हाई आर यू कंफ्यूज इन सच अ सिंपल सा क्वेश्चन। IUCN designated अरावली, अरावली में एक पहाड़ है जिसका अरावली पहाड़ ही है, ठीक है। तो ये राजस्थान हरियाणा को टच करता है। हरियाणा में गुरुग्राम 2022 में इसको अरावली बायोडाइवर्सिटी प्लांट पार्क के नाम पे बोला गया, IUCN ने कहा है। RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया नासिक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक का। अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है, सोचो, ठीक है अभी नहीं पूछ रहे हम आपसे पूछेंगे या CDS के क्लास में पूछेंगे, ठीक है 5 बजे होता है ना क्लास, तो वहां पे पूछेंगे आपसे कि कौन सा बॉन्ड है ये। अब देखें क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन है कि H2O जो है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और जो बहुत बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि केटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो इतने देर से हम क्या बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको आप एनायन बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको आप केटायन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस चार्ज बन जाता है तो वो केटायन कहलाएगा और क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज बनता है तो वो एनायन कहलाएगा, ठीक है। केटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो कैथोड की तरफ जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, जैसे कि बैटरी में होता है ना एक निकला रहता है कैथोड एनोड। और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए वो एनोड की तरफ जाते हैं जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है बैटरी का रॉड होता है। तो जिस तरफ उसका ऐसे पिंग निकला होता है वो एक होता है और एक जो पीछे रहता है, तो इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, और जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो ए जो है वो ए की तरफ जाता है, सी जो है वो सी की तरफ जाता है, क्लियर। यस, तो आई एम ऑल्सो टीचिंग यू केमिस्ट्री साथ साथ। चले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे डेली करंट अफेयर्स में कि UPI सेफ्टी अवेयरनेस मंथ कब मनाते हैं, फरवरी में मनाते हैं, ठीक है। चंडी मतलब क्यों, हम साथ साथ तुमको केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे इसीलिए, हम चाहते हैं ना एक्चुअली कि आप लोगों को सब पता चल जाए। देखिए यहाँ पे भी असलम खान को भी कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, तो सोचिएगा बताइएगा। आइकॉनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाता है और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेके। बच्चा तो अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन देके और ऑक्सीजन को दे देता है ना। हम कुछ याद नहीं रखते हैं, हम सिर्फ समझते हैं, साइंस कभी याद नहीं रखा जाता है, ठीक है, इट इज साइंस। तो अब देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये PR श्रीजेश को मिला है। फिर एंटोनियो कोस्टा जो है ये इनको रीएलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्पेन या पुर्तगाल, एक्चुअली क्या होगा स्पेन या पुर्तगाल होगा बताइए, हमको भी कंफ्यूजन हो गया, देखिए हमको याद नहीं रहता है। चले तो अब इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा स्पेन है या पुर्तगाल है, आई गेस इट इज स्पेन, स्टिल यू कंफर्म वंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन थीम ऑफ 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन, ये सारे नए करंट अफेयर्स हैं जो आपके FCAT में तो नहीं आएंगे स्टिल। तो यहाँ पे थीम क्या है, शी द चेंज मेकर, ये आ सकता है। देखिए क्या हुआ था 30 साल पहले आज से 1992 में एक कमीशन बना था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो उसका फाउंडेशन दिवस हम लोग मना रहे हैं और शी द चेंज मेकर इसका इस साल का थीम है। उन्नति हुड्डा इनको रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन विच गेम टू विन गोल्ड, तो उन्नति हुड्डा गोल्ड जीती हैं और ये बैडमिंटन में हमारे देश को रिप्रेजेंट की हैं। अच्छा इट्स पुर्तगाल, ठीक है इट्स पुर्तगाल, ठीक है कोस्टा जो है वो पुर्तगाल के बने हैं, इफ यू आर डैम श्योर देन आई ट्रस्ट यू। तो ये देखिए फिर द चेयरमैन ऑफ LIC हूज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड, तो LIC में किसका टर्म एक्सटेंड हो गया है, ये MR कुमार है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। इकबाल सिंह किंगड़ा हु पासेस अवे, ये कौन थे किंगड़ा जी, तो इकबाल सिंह किंगड़ा ये एजुकेशनलिस्ट थे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडिशा बेस्ड नीलाचल इस्पात निगम, इस्पात मतलब होता है स्टील, आप लोग ये भी बताइएगा स्टील इज एन अलॉय है ना, अलॉय क्या होता है,
जब एक से अधिक एलिमेंट से कोई चीज बना होता है, नॉट टेलिंग मेटल, आई एम टेलिंग एलिमेंट, क्योंकि स्टील में कार्बन भी होता है. तो स्टील जैसे एलॉय है, तो आप हमको दो तीन एलॉय के बारे में बताइएगा. ब्रॉन्ज, ब्रास है ना, और स्टील, और क्या होता है, ठीक है यही सब है. तो यहां पे आप बताएंगे कि ये तीनों जो है वो किस किस मेटल से बने हुए हैं. क्लियर है? तो यहां ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा टाटा ग्रुप. ठीक है, जनरल जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. इसके पहले कौन थे, तो सीपी मोहंती थे. गाइज आप लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए. और देखिए जिसको भी ना इस तरह से बेसिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि लग रहा है कि मैम करंट अफेयर्स भी है, साथ साथ आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी बता रही हैं कि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, साइंस भी है, तो हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो नहीं करना है. मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा मटेरियल ले लें और फिर उसमें डूब जाएं और फिर मतलब दैट सेल थ्रू ना करना है, तो उसमें डूबना नहीं है. तो मेन चीज होता है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, इंटैक्ट एकदम सिलेबस पता होना चाहिए, और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम मतलब पता होना चाहिए कि ये जो है ना टॉपिक, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तब आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे कि यार इससे ना ये थोड़ा मैम बहुत टफ बना के पूछ रही है, ऐसा तो आता ही नहीं है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो हमेशा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दो चीज है, होता है जिससे कोई भी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है. तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए. और एक सही गाइडेंस, टीचर जो है वो सिलेक्शन नहीं दिलाता है, वो बस आपको गाइड करता है. कोई भी, जैसे कि अर्जुन जो है वो महाभारत जीते थे ना, कृष्ण क्या किए थे, उनको गाइड किए थे, तो उस टाइप का गाइडेंस आपको मिलता है हमारे द्वारा अंडर 24/7 डिफेंस. तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलता है CDS एग्जाम के लिए, और CDS में आपको एक्चुअली गाइडेंस का जरूरत है, क्योंकि ये ना FCAT से थोड़ा टफ होता है, UPSC लेती है CDS का एग्जाम. तो CDS के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एंड ऑल आर टीम, जिवेश सर, गोपाल सर, प्रिया मैम, निहारिका मैम, सारे लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, GK, GS. तो आप लोग शॉर्ट 2.0 बैच में जल्दी से एनरोल हो जाइए, दैट इज द थिंग आई वॉन्ट टू टेल. चले, तो इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम कम अप विद, तो ये इंदौर में है. ठीक है, ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक एंड ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टीन, ये विशाली कह रही है. ओके, हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन इज जस्ट द थिंग कि हाइड्रोजन को यूज करेंगे ताकि हम लोग एनवायरमेंट को कम पोल्यूट करें. ठीक है, फिर आप देखें कि विच बैंक हैज गॉट ऑल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ बैड बैंक. बैड बैंक यानी कि उनको बहुत सारे NPAs मिल रहे हैं, तो ये SBI है. साइंटिस्ट ऑफ, हाँ, और स्टील भी बताओ शाली, सही बात है. IIT खड़गपुर के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया है पोर्टेबल डिवाइस. आप समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल जो है ना वो पोर्टेबल है, लेकिन जब पहले बचपन में लैंडलाइन लगता था तो वो पोर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसमें तार रहता था. वो तार आप एक जगह से कहाँ कहाँ ले जाइएगा, तो जो चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो पोर्टेबल होता है. टू डिटेक्ट विच डिजीज, तो कौन से डिजीज के लिए है, ये ओरल कैंसर के लिए है. ठीक है, फिर आप बताएं कि रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस. ये सुन रहे हैं बहुत ज्यादा वो है, फेटल है, लोगों को मार देता है ये कोरोना वायरस. तो न्योकोव है ये. न्योकोव जो है ये कहाँ पे है गाइज? ओके, हाँ, हम असलम आइकॉनिक बोले थे बार बार, सॉरी, वो आयोनिक है. पोर्टुगल आप आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड. हाँ, अरावली नहीं, अदावली है. ओके, तो यहाँ पे ये चाइना है. हाँ, चाइना ही करता है ये सब काम. सेहत स्कीम, ये पूछा जा सकता है कि घर घर तक मेडिसिन डिलीवर करने के बारे में बात हुआ जा रहा है सेहत स्कीम में. ये स्कीम किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये स्कीम आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. हाँ, डिफेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये सब नहीं, ये कंफ्यूज मत करिएगा. इकोनॉमिक सर्वे आया है, ठीक है, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है और 1 फरवरी को क्या आता है, बजट. तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका थीम क्या है? स्टील में चार मेटल है, कंफ्यूजन है थोड़ी. अच्छा,
तो ये एजाइल है. एजाइल का मतलब होता है ना कि जो लोग बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे छोटे शॉप्स लगाते हैं, आपके यहाँ जो हेल्पर हैं, वो लोग कौन है? बहुत एजाइल है. अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करिएगा तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना. तो हमारा देश ये चाहता है कि हम लोग उनको सपोर्ट करें, और हम भी आपको क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत एजाइल ब्रेन के. अभी के टाइम में ना वो कच्चा मिट्टी वाला घड़ा है, तो कोई भी गलत कंसेप्ट मत पढ़िएगा. अभी भी कंसेप्ट हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, एक बार गलत कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है ना, तो उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है. इसीलिए फाउंडेशन जो स्टूडेंट का बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता है. मतलब वो स्टूडेंट हमेशा सक्सेसफुल होता है जिसका बेसिक केमिस्ट्री पूछा जाता है हर स्टूडेंट से, कॉमर्स से भी पूछा जाएगा, जिसका बेसिक फिजिक्स क्लियर हो, जिसका बेसिक बायोलॉजी क्लियर हो, उसको पता हो कि यूट्रॉपिक और प्रोट्रॉपिक्स में क्या अंतर होता है. तो ये सब जो बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए. तो इसके लिए हम लोग फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, श्योर है, उसका नाम है CDS के लिए. देखिए साइंस के स्टूडेंट जो है ना, अभी जैसे 50 दिन बचा है, साइंस के स्टूडेंट साइंस में मेहनत कीजिए और साथ ही साथ रोज आर्ट्स पढ़ें. आर्ट्स के स्टूडेंट जो है आर्ट्स में 110% मार्क्स लाएंगे, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ेंगे. लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कॉमर्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स आते हैं, वो अलग से क्वेश्चन बेसिक नहीं आते हैं, ठीक है. लेकिन साइंस और आर्ट्स वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही. तो खासकर कॉमर्स स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है. जब आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस मिले जिसमें आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो कभी कभी गाइडेंस लेना और हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है. तो वो गाइडेंस और हेल्प आपको इस बैच से मिलेगा. शॉर्ट ए बैच, ये डेडिकेटेड बैच है CDS के लिए. 24 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है ना. और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, वो सब हम और जिवेश सर कंप्लीट करवा देंगे. प्रिया मैम आप जानते हैं, शी इज अ प्रो टीचर इन इंग्लिश. जो बच्चे OTA नहीं और OTA के साथ साथ IMA, नेवी और एयरफोर्स देना चाहते हैं, उनको मैथ्स भी बनाना पड़ेगा. 120 क्वेश्चन आएंगे आपको, 100 उसमें से मार्क्स रहेंगे मैथ्स के, वो भी बनाना है. लेकिन एलिमेंट्री मैथ्स, ऐसा नहीं है कि बहुत आगे का है. हाँ, और यहाँ पे निहारिका मैम है जो आपको साइंस पढ़ाएंगे. तो यहाँ आप कोड यूज कर सकते हैं, Y332 कोड है. और शौर्य बैच सिर्फ 18, ये इतना पैसा लगेगा ही नहीं, 1999 का है ये. लेकिन अब ये सिर्फ 1839 में अवेलेबल है, ठीक है. अगर आप Y332 कोड यूज करते हैं तो आपको ये 1839 में मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर आप कॉइन्स यूज करेंगे तो कॉइन्स में और पैसे आपके कम हो जाएंगे. और अगर उसके बाद आपको और प्रिपरेशन करना है, जैसे कि CISF है, BSF है, तो इन चीज़ों का प्रिपरेशन करना है, तो आप महापैक ले लीजिए, ताकि CDS के बाद आप सीधे दूसरे एग्जाम्स, जैसे CAPF भी आने वाला है, तो उसमें आप सीधे लग जाएंगे, ठीक है. और जो बच्चे FCAT के लिए हैं, अभी आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये सुपरसोनिक बैच यूज करें, लेकिन FCAT के लिए आपको एक्चुअली चाहिए एक टेस्ट पैक, ठीक है. तो आपको एक टेस्ट पैक लेना है और FCAT का प्रिपरेशन शुरू करना है. उसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं, तो 10 मॉक टेस्ट आप बनाइए, बिल्कुल 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा. वो सिर्फ 275 रुपीज का है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y332. 1100 वो है 1199 का, लेकिन आप कोड यूज करेंगे तो 275 में आपको टेस्ट मिल जाएगा. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, पेपर आउट करवा दें, ठीक है. करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां पे पेपर आउट करके आपको मिल जाएगा. जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, देखिए आपका भी एग्जाम अब लाइन अप हो चुका है. ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम में डिले है या सरकार रुक रही है, अब एग्जाम्स हो रहे हैं. तो एग्जाम्स जब हो रहे हैं तो DSSSB का एग्जाम है, UK का PCS का एग्जाम है ना. फिर एक सैनिटेशन का भी आया है. सैनिटेशन में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉल्यूशन वाला पूछा जाएगा, जैसे कि राजस्थान में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिया था, उसी टाइप का. फिर आपका RSM SSB भी आ चुका है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ प्रिपरेशन शुरू करना है. मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को GK और हिंदी और मैथ्स, समय मैथ्स में तो नहीं होता, लेकिन GK हिंदी में प्रॉब्लम होता है. तो आप क्या करें ना, सेल्फ स्टडी में बस अपना ट्रेड जो है वो पढ़िए, बाकी जो भी पोर्शन है नॉन टेक का वो आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए. मतलब इंग्लिश, GK, हिंदी, ये सब आप हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग आपको उसका प्रिपरेशन करवा देंगे. तो यहाँ आप आ जाइए बैचेस में,
BSSS भी कारक से बैच है, लेकिन आई थिंक कि सिविल का महापैक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक और मैकेनिकल के बच्चों के लिए मैकेनिकल का महापैक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं। सिर्फ BSSS लेके क्या फायदा, जब फिर उसके बाद सीधा RSMSS भी देना है। अप्रैल में आपका ये वाला एग्जाम है उत्तराखंड वाला, है ना, फिर आपका मई में है जयपुर राजस्थान वाला, फिर उसी बीच में आपका DSSS भी है। तो इतने सारे जब एग्जाम्स है तो एक ऐसा पैक लेना चाहिए जहां पे आपको पूरा ही महापैक मिल जाए उसका, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। You want to take a cup of coffee with me? अच्छा, तो ठीक है, आप जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई करें, है ना, जल्दी से एक अच्छे पोस्ट पे आए ताकि हम आपके ऑफिस में विजिट करने आए आपसे परमिशन लेके। बाहर कांस्टेबल खड़ा रहेगा, उससे परमिशन लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट है कि नहीं, एंड देन वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, और ये सेशन को आप देख चुके हैं, CDS का क्लास है आज आपका, NDA का क्लास भी है आपका, और 2 बजे अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो आप आएंगे इंजीनियरिंग अड्डा पे, ठीक है, और CDS NDA आपको पता है कि आपको डिफेंस में मिल जाएगा। गाइस शौर्य बैच के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, शौर्य बैच इज अ ड्रीम बैच, शौर्य 2.0 में मैं हूँ, 1 में नहीं हूँ। तो यहाँ पे हर एक तरह का सपोर्ट, खासकर SSB का प्रिपरेशन, होलिस्टिक अप्रोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, सब चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल वैसा देखे, हम एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, वो एक गलती, मतलब एक गलत स्टेटमेंट मिला हमको, वो हम बताते हैं कि मैम हम ना इस बार एग्जाम दे के देखते हैं कि कैसा है, फिर अगले बार से देखेंगे। ये बहुत, मतलब एकदम फेलियर स्टूडेंट का ये निशानी है, ये बहुत गलत चीज है। इसमें क्या होता है, ये हुआ है और हर किसी के साथ होता है, वो लोग सोचते हैं ना कि अरे यार ग्रेजुएट करेंगे ना तो UPSC IAS का एग्जाम दे के देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतना सारा प्रिपरेशन करे, इतने सालों की मेहनत है, तो आपका क्यों होगा, नहीं हो सकता है। आप कभी भी एग्जाम के साथ ना, हम बोलते हैं ना हर चीज का रिस्पेक्ट करो तो वो आपका भी रिस्पेक्ट करेगा, एग्जाम का बहुत रिस्पेक्ट करिए। वो सोचिए कि यार वो एक लेवल पे एग्जाम है और आपका एक्चुअली आप फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं है अगर आप उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट। और जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया है और उसके बाद आप एकदम मतलब तन मन से नहीं लग गए हैं तो आपको एग्जाम देने का हक भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि फॉर्म भरते हैं मान लीजिए 100 लोग, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालते हैं 50, एग्जाम देने जाते हैं 25, होना तो वही 2 लोग का ही है। तो इसीलिए वो 2% में अगर आना है ना तो हर एक चीज, हर एक टाइप का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और दिस इज द रियलिटी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को भी देखेंगे, आपको क्या लगता है नीरज चोपड़ा भी बाल बढ़ा के जो ऐसे घूम रहे हैं, उनके उस गोल्ड मेडल के पीछे उनके कितने सालों भर का मेहनत है, मतलब एकदम पसीना पसीना बहाना। तो वो आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको उस पोजिशन पे जाना है। और दीज एग्जाम्स जो कि आपको सीधे ऑफिसर बना रहे हैं, मतलब इंसान बना रहे हैं प्रॉपर, सोसाइटी का क्रीमी लेयर बना रहे हैं, यू विल बी ऑन द टॉप। उसके नीचे ही जब भी देखना होगा किसी को तो सिर झुका के देखना पड़ेगा, उठा के नहीं देखेंगे क्योंकि आपसे ऊपर कोई रहेगा नहीं। तो इस टाइप के पोजीशन के लिए आपको एक्चुअली बहुत मेहनत करना है। तो आई थिंक कि ऑल द स्टूडेंट्स विल डू सो मच ऑफ मेहनत, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, टू गिव यू अ क्लियर गुड गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैनल के लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे उनका हाथ है, एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड इन द शॉर्ट बैच। तो आप लोग जल्दी से बैच में आए, आई एम अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, ठीक है, CDS OTA, तो आप जल्दी से बैच में आए और Y332 कोड यूज करें, 78% का डिस्काउंट मिलेगा। और शौर्य बैच को बिल्कुल कल, जैसे कल हम लोगों ने परसों वसंत पंचमी मनाया है, तो आप लोग उसको एक अच्छा शुरुआत बोलते हैं ना, शुभ शुरुआत हो जाएगा आपका शौर्य 2.0। थैंक यू।